हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th हिंदी मॉडल पेपर 2021। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी के मॉडल पेपर को देखेंगे और इनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, मॉडल पेपर का मतलब सेम इसी प्रकार का पेपर पैटर्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी कि जितने क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर को भी जानेंगे, देखिए विद सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं हिंदी साहित्य के, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, और जो आपका है, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सभी के आंसर को भी हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मॉडल पेपर में जो है आपका समय दिया रहता है कि 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है, और जो आपका पूर्णांक होता है वो भी इधर दिया है, ठीक है, 100 का यहाँ पर दिया गया है। और स्टार्टिंग में होगा क्या कि आपको नोट दिया रहेगा कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है और प्रश्नों के जो अंक हैं वो उनके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये पेपर आपका जो हिंदी का होता है, सभी को पता है कि 2 खंड में विभाजित होता है, एक खंड का और एक खंड खा। ठीक है, खंड का में आपका हिंदी गद्य पद्य ये सब आते हैं और खंड खा में आपका संस्कृत और व्याकरण आता है। ठीक है, तो चलिए हम देर ना करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा खंड का, ठीक है, तो देखिए खंड का आपका यहां से स्टार्ट होता है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, इसमें काखा, गाघा और अंगा 5 क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। जैसे देखिए, फर्स्ट है अष्टयाम के रचयिता है, यानी कि अष्टयाम जो रचना है इसके लेखक या रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नाभा दास। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभा दास। ठीक है, तो ऐसे आपको सही आंसर चूज करके लिखना होगा। खा देखिए, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है, तो इन चारों में से कौन है इस रचना के लेखक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गोकुलनाथ। ठीक है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। ऐसे हम आंसर को भी समझेंगे ताकि आपका जो एग्जाम की तैयारी है वो भी अच्छे से चलती रहे और आप पेपर पैटर्न भी आसानी से जान सकें। अब गा वाला क्वेश्चन इसमें आता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय रहेंगे हिंदी गद्य साहित्य से। ठीक है, फिर आपके दूसरे क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन रहेंगे पद्य साहित्य से। तो देखिए, गा वाला क्वेश्चन है, भारत भारती की रचना विधा है, यानी कि भारत भारती क्या है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या काव्य है, तो ये जो है काव्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। घा है सदल मिश्र की रचना है, इन चारों में से सदल मिश्र की रचना कौन है, तो ये है इसकी फेमस रचना नासिकेतु उपाख्यान। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। अंगा वाला क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अग्रहित किया, तो ये हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो ऐसे आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए 5 नंबर के। अब दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न होगा हिंदी पद्य साहित्य से। ठीक है, तो देखिए का है इसमें भारतेंदु युग की रचना है, इन चारों में से भारतेंदु युग की रचना कौन सी है, तो वो है प्रेम माधुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। खा है रीतकालीन कवि है, इन चारों में से रीतकालीन कवि कौन है, तो चारों ऑप्शन में जो 3rd है ये सही होगा। ठीक है, दिज देव, तो ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सही आंसर चूज करके लिखना होगा। गा देखिए, आधुनिक युग की मीरा है, आधुनिक मॉडर्न एज की मीरा कौन है, तो वो है महादेवी वर्मा, इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, घा है कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किस रचना पर, चिदंबरा पर, बीड़ा पर, लोकायतन पर या कला और बूढ़ा चांद पर, तो ये मिला था इन्हें चिदंबरा नामक रचना पर। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अंगा है हिंदी खड़ी बोली को काव्य के रूप में प्रतिष्ठा मिली, यानी कि हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा किस युग में मिली, तो ये मिली द्विवेदी युग में। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए पद्य साहित्य से। तो 5-5 टोटल 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपसे बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे और 10 नंबर आपको दिया जाएगा अगर आप सही आंसर लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा होगा वो क्या होगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि आपका जो हिंदी गद्य है उससे एक गद्यांश दिया जाएगा, यानी कि पैसेज दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसके नीचे 5 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, एक एक क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर, यानी टोटल आपको 10 नंबर मिलेगा। इसमें होगा क्या, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पहला आपका रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, यानी कि संदर्भ आपको लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो पैसेज में रेखाएं हैं जिन वर्ड के नीचे उनकी केवल आपको व्याख्या करनी है।
ऐसे तीसरा हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी, कहाँ से स्पष्ट कीजिए। तो ये सब आपको इसी पैसेज में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर आपको दिया गया है यहाँ पर कि 2 × 5 यानी कि 10, 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से है, ठीक है, कहाँ से ये आपका स्टार्ट होता है, ये देखिए यहीं पर अथवा लगा हुआ है, यानी कि ये जो गद्यांश है आपका, मान लीजिए ये वाला आपको नहीं पता है, ठीक है, तीसरा ये वाला गद्यांश मान लीजिए आपको नहीं पता है, तो आप अथवा लगा इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए अशोक को जो समान कालिदास से मिला वह अपूर्व था, ठीक है। तो ये गद्यांश आपका है जो कि यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ तक आपका ये गद्यांश यहाँ से है, और इसके नीचे भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको इसके लिए भी 10 नंबर दिया जाएगा। तो अगर आपको फर्स्ट वाला नहीं आता तो आप सेकेंड वाला कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब हमारा आता है चौथा क्वेश्चन, तीसरे में आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आपको एक करना होगा, मैंने बताया भी, और चौथे में क्या होगा, 2 पद्यांश दिए जाएंगे, इसमें से आपको एक ही करना होगा, ठीक है, जो कि हिंदी पद्य साहित्य से होंगे। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर आपको पद्यांश दे दिया जाएगा, निम्नलिखित दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसके लिए भी आपको 5 क्वेश्चन करेंगे, तो एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, तो 5 के लिए 10 नंबर, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी अथवा लगा है, मान लीजिए वो वाला आपको नहीं पता है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके सामने यहाँ पर इसको कर सकते हैं। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन दे देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे 10 नंबर, यानी कि चौथे क्वेश्चन में भी आपको हिंदी पद्य से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपको पहला नहीं पता तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, ठीक है, जो कि है जीवन परिचय, ठीक है। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी कि इन तीनों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर अभी नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, मैंने आपको पहले भी आचार्य प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, इन सबके जीवन परिचय को बता दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। अब ग्रामर में जो आपका होगा अभी विभक्ति और वचन संधि विच्छेद, उसका मैं आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। खा देखिए, ये आपका हिंदी गद्य से जीवन परिचय होगा और ये आपका हिंदी पद्य से, ठीक है, किसी एक कवि का, तो इन तीनों में से किसी एक कवि का आप जीवन परिचय लिखना है, 5 नंबर इसके लिए, ठीक है। अब 6वां क्वेश्चन, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम शब्द 80, यानी कि ध्रुव यात्रा या कहानी या पंचलाइट, इन दोनों में से किसी एक कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, ठीक है। अब मान लीजिए इन दोनों को आप, ये दोनों आपको नहीं पता है तो अथवा लगा हुआ है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। तो देखिए बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन, चारों यानी कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कहानी, आप कहानी के उद्देश्य को लिखिए, मान लीजिए नहीं पता है आपको तो पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक का पता है तो लिख सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक का पता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर चारों में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी कि यहाँ पर आपका स्वपठित खंड काव्य है, जो आपके वहाँ पर है वही, उसी का आपको आंसर देना है। देखिए यहाँ पर ये मुक्ति यज्ञ, रश्मिरथी, त्यागपति, ठीक है, जो आपको है उसका आंसर आपको देना है। जैसे त्यागपति है, त्यागपति खंड काव्य के राजश्री एक श्रेष्ठ नारी पात्र हैं, स्पष्ट कीजिए। मान लीजिए आपको नहीं पता तो अथवा लगा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, चाहे जो खंड काव्य होगा अथवा लगा है, दोनों में से किसी एक को आपको करना है, ठीक है। यहाँ से खंड खा हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें संस्कृत और व्याकरण होगा। इसमें पहले संस्कृत का गद्यांश होगा, ठीक है। निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर इसके लिए आपको दिया जाएगा। होगा क्या कि का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक पैसेज होगा, इसका आपको करना क्या है, संदर्भ लिखना है किस पाठ से लिया गया है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। यही प्रोसेस, यही यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, अथवा लगा हुआ है, मान लीजिए ये वाला आपको गद्यांश नहीं पता है तो आप ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। इसका आप संदर्भ लिखकर अनुवाद लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक का। और वही यहाँ पर भी वैसे ही एक खा क्वेश्चन आता है कि दिए गए पद्यांशों या श्लोक, जैसे उसमें हिंदी में आपका गद्यांश पद्यांश था, वैसे इसमें भी है, गद्यांश भी आपको दिखाया गया और खा वाला है पद्यांश, ठीक है, या श्लोक। इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है, 7 नंबर, यानी कि आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है, ये वाला, और ये नहीं पता तो ये वाला, ठीक है, दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है, यहाँ से ग्रामर स्टार्ट होता है, व्याकरण,
निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए, यानी कि इन चारों में से किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है, दो नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। दसवां क्वेश्चन है जो कि बहुविकल्पीय टाइप का होगा, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कर लिखिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट है महोधन दया, ठीक है, महोदया का संधि विच्छेद है, इन चारों में से महोदया का संधि विच्छेद क्या है, महीधन उदया, महाधन उदया, महीधन दया, महाधन उदया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाधन दया, ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। दूसरा है इसमें तीन क्वेश्चन रहेंगे बहुविकल्पीय, तीनों के लिए तीन नंबर आपको दिया जाएगा। प्रत्युत्तरम का संधि विच्छेद है, तो ये हो जाएगा डी वाला, प्रतिधन उत्तरम। तीसरा लघुत्तरम का संधि विच्छेद है, तो हो जाएगा ये वाला, लघुधन उत्तरम, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन होगा, तीन नंबर आपको दिया जाएगा, मैंने आपको आंसर भी यहाँ पर बता दिया है। अब देखिए आगे हमारा आता है, ठीक है, इसका खा यानी कि दसवें का खा, पहले का में संधि विच्छेद, खा में विभक्ति और वचन, इसमें दो क्वेश्चन रहेंगे बहुविकल्पीय, दो नंबर। जैसे देखिए इसमें होगा क्या, सरित्सु में विभक्ति और वचन है, यानी कि सरित्सु जो आपका है धातु, इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो विभक्ति पहले लिखे रहेगा, वचन बाद में, ठीक है। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, या प्रथमा विभक्ति द्विवचन, या द्वितीय विभक्ति द्विवचन, या सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसमें जो है आपका सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। दूसरा है हरि राम में विभक्ति और वचन है, तो इसमें आपका है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ग्यारहवां क्वेश्चन है, इसमें शब्द युग्म है, ठीक है, इसका सही अर्थ आपको बताना है। जैसे असित असित, इसका सही अर्थ क्या होगा, असित का अर्थ पहले लिखा होगा, असित का बाद में, तो इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे जो है शब्द युग्म मैं आपको बता चुका हूं, तो इन दोनों का सही अर्थ आपको बताना है कि फर्स्ट का डी कौन सा सही होगा और सेकंड का कौन सा, ठीक है। खा है हमारा ग्यारहवें का, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्दों के दो अर्थ लिखिए, यानी कि आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है, दो नंबर आपको मिलेगा, किसी एक का आपको लिखना है, ठीक है, और उसके दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, तीनों में से एक ही आपको करना है। ग देखिए ये भी बहुविकल्पीय है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जैसे फर्स्ट है थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, उसे हम क्या कह सकते हैं, अच्छा है, क्षणभंगुर या दुर्दम्य अक्षम, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षणभंगुर, ठीक है, थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगुर कहलाएगा, ठीक है। दूसरा है जो अपने आचरण से पवित्र हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं सूचिकर्मा, ठीक है, तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। अब ग्यारहवां का घा है, किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध कीजिए, यानी कि इन तीनों में से चारों में से किसी दो वाक्य को आपको शुद्ध करना है, ठीक है, दो को, और इसके लिए आपको दो नंबर मिलेगा, ठीक है। यह है वाक्य संशोधन, यानी कि इस वाक्य में कुछ गलतियां होगी जिसको आपको सही करना होगा, ठीक है। अब देखिए बारहवां क्वेश्चन आता है, शांत रस अथवा संयोग, शांत अथवा संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए, रस, उसके बाद में खा है रूपक अथवा यमक अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, अलंकार, चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए, दो, यानी कि छह नंबर के आपके रस छंद अलंकार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रस छंद अलंकार मैं आपको एक वीडियो में पढ़ा चुका हूं, जब आप सर्च करेंगे रस छंद अलंकार शुभम लेक्चर तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाकर तीनों को एक ही वीडियो में तैयार कर सकते हैं। तेरहवां क्वेश्चन है, इसमें आपको पत्र लिखना होगा, ठीक है, ये देखिए आपके पत्रकारिता का अध्ययन पूरा कर लिया है, नवभारत टाइम्स हिंदी दैनिक समाचार पत्र में संवाददाता पद पर नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता का विवरण देते हुए आवेदन पत्र लिखिए, मान लीजिए ये आप नहीं लिख सकते तो अथवा लगा हुआ है, ठीक है। अपने क्षेत्र में छोटे बच्चे का विद्यालय खोलने की मांग करते हुए राज्य की शिक्षा मंत्री को पत्र लिखिए, पत्र के लिए आपको छह नंबर मिलेगा। लास्ट टॉपिक हमारा आता है निबंध, जो कि नौ नंबर का पूछा जाता है, इसमें होगा क्या, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, इन पांचों में से किसी एक पर जिस पर आपको निबंध लिखना अच्छे से आता है उस पर आप निबंध लिख सकते हैं। इस तरह आपका जो टोटल हिंदी का पेपर होगा वो 100 मार्क का होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा पैटर्न अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और जिन क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर बताए वो भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो।